Fusion. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको आपके फ़ोन का एक हिडन फीचर, वो है स्मार्ट लॉक। दोस्तों, स्मार्ट लॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेज भी आ रहे थे और मुझे बताया जा रहा है कि प्लीज़ स्मार्ट लॉक के बारे में प्लीज़ डिटेल में बताइए और कैसे स्मार्ट लॉक का हम यूज़ कर सकते हैं और स्मार्ट लॉक का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, और अगर आप जो है एक स्मार्टफोन यूजर्स हैं तो आप जो है स्मार्ट लॉक को कैसे यूज़ कर सकते हैं, पूरा मैं इस वीडियो में जो है क्लियरफाई करूँगा। सो आपने क्या करना है, आपने मेरा वीडियो जो है पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप में जो है बाद में कमेंट करेंगे कि भाई मुझे समझ में नहीं आया या फिर मुझे पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए क्या होगा, आपको पूरा वीडियो मेरा समझना पड़ेगा और आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या है स्मार्ट लॉक का रहस्य और स्मार्ट लॉक आपके फ़ोन में क्या यूज़ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा आपकी फ़ोन की सेटिंग पे। दोस्तों, फ़ोन की सेटिंग पे जाना है आप लोगों ने, और आपका कोई सा भी एंड्रॉयड डिवाइस है या फिर कोई सा भी ब्रांड का, वहाँ पे आपने जाना है लॉक स्क्रीन पे। लॉक स्क्रीन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट लॉक। है दोस्तों, स्मार्ट लॉक का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग ऐसे देख सकते हो, इस तरह का ये ऑप्शन होगा, लिखा होगा स्मार्ट लॉक। सो आप ध्यान से देख लें, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं चलता है कि मेरे फ़ोन में नहीं है, लेकिन ये सभी के फ़ोन में मिलेगा, ये सेटिंग कहीं भी हो सकती है आपके फ़ोन में, आपने बस ढूंढनी है और स्मार्ट लॉक के वाले इस ऑप्शन को, फिर आपका ये फ़ोन का पैटर्न मांगेगा या पासवर्ड या फिंगरप्रिंट जो आपने अपने फ़ोन पे लॉक लगाया है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह का जो है लॉक लगाया, तो मैं इसे खोल दूंगा। उसके बाद आपको ये चार ऑप्शन मिलेंगे इसको ओपन करने के बाद। तो सबसे पहले है ऑन बॉडी डिटेक्शन, ट्रस्टेड प्लेसेस, ट्रस्टेड डिवाइसेस और आपका वॉइस मैच। सो सबसे पहला वाला ऑप्शन है ऑन बॉडी डिटेक्शन। सो मैं ऑन बॉडी डिटेक्शन के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा पहले, फिर आपको दूसरे के बारे में, फिर तीसरे के बारे में, फिर चौथे के बारे में। तो आप जो है ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि आपको फिर पता नहीं चलेगा, फिर आप दोबारा से कमेंट करेंगे कि प्लीज़ दोबारा से बताइए। सो देखते रहिए। जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है ऑन बॉडी डिटेक्शन, ऑन बॉडी डिटेक्शन का क्या मतलब है, मतलब ये है कि आप इसको जब ऑन करेंगे, तो मैंने इसे जो है देख सकते हो आप, ये ऑन कर लिया, तो आपको इस तरह का वार्निंग बताएगा, आपने इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद जो है आपने बैक आ जाना है, बैक आ गए, फिर क्या होगा, मान लो कि आप अपने फ़ोन को जो है लॉक लगाया, पैटर्न, फिंगरप्रिंट, जो मर्जी जो भी लॉक लगाया है, जब तक ये फ़ोन आपके हाथ में रहेगा, दोस्तों जब तक ये फ़ोन आपके हाथ में रहेगा तब तक ये ना ही पैटर्न मांगेगा, ना ही फिंगरप्रिंट सेंसर मांगेगा, कुछ भी, कोई भी नहीं मांगा, चुपचाप आपका फ़ोन जो है स्लाइड करते ही जो है आपके फ़ोन का लॉक जो है वो खुल जाएगा। सो आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मैंने फ़ोन को लॉक लगाया, फिर मैंने स्लाइड किया है, मेरे फ़ोन ने कोई भी पासवर्ड, पैटर्न या फिर फिंगरप्रिंट, कोई भी लॉक नहीं मांग रहा है। फिर उसके बाद जो मैं अपने फ़ोन को कहीं पे रख दूंगा कुछ देर के लिए, तो जब तक मेरे हाथ में रहेगा तब तक तो ये लॉक खुल जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद मैं इसे फ़ोन को उठाऊंगा तो आप लोग देख सकते हो फ़ोन का पैटर्न मांग रहा है दोबारा से। मतलब कि ये देख सकते हो, मैंने एक बार, जब तक मेरे हाथ में रहेगा तो ये पैटर्न नहीं मांगेगा, जब मैं इसे कहीं छोड़ दूंगा और कहीं चला जाऊंगा, उसके पाँच या चार या पाँच मिनट बाद जो है दोबारा से पैटर्न मांगना स्टार्ट कर देगा और लॉक मांगना स्टार्ट कर देगा, तो आपके फ़ोन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर पाएगा आपको छोड़ के। तो आप जो है, मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला ऑप्शन जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे ट्रस्टेड प्लेस के बारे में, और सेकंड वाला ऑप्शन है ट्रस्टेड प्लेस, ऐड लोकेशन वेयर डिवाइस शुड बी, आप समझ गए होंगे पढ़ के, और इससे क्या होगा, आप यहाँ पर अपना ट्रस्टेड प्लेस जो है ऐड करेंगे। मान लो कि आपका होम जो है, आप यहां से GPS के थ्रू जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, अपने कोई से भी एरिया को, या अपने स्कूल वाला, या फिर अपने ऑफिस वाला, या फिर अपने घर वाला, कोई सा भी आप ट्रस्टेड प्लेस यहां पे ऐड कर लेंगे। आप उस ट्रस्टेड प्लेस के जब दायरे में आएंगे तो ये फ़ोन आपका ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा, और उस ट्रस्टेड प्लेस के बाहर जाएंगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, तब आपका फ़ोन लॉक मांगेगा। लेकिन ट्रस्टेड प्लेस के अंदर आएंगे तब आपका फ़ोन जो है वो लॉक पैटर्न नहीं मांगेगा, अगर ट्रस्टेड प्लेस के बाहर जाएंगे तो ये लॉक मांगना स्टार्ट कर देगा। तो
तो आपका फ़ोन जो है आपको छोड़ के कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा, आप इस फीचर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर जो थर्ड वाला ऑप्शन आता है आपका ट्रस्टेड डिवाइसेस, हैं दोस्तों ट्रस्टेड डिवाइसेस का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि आपके पास कोई ब्लूटूथ वॉच है या फिर आपके घर में कोई ब्लूटूथ इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िक सिस्टम है, कोई सा भी आपके पास मतलब डिवाइस है या फिर कोई और डिवाइस है, उसके साथ आप अगर आपका फ़ोन जो है ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा तो आपका फ़ोन उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली अनलॉक रहेगा, लॉक नहीं मांगेगा। लेकिन जब आप जो है अपने इस जैसे जैसे होगी आपकी स्मार्ट वॉच होगी, उसको आप बंद कर देंगे या फिर घर छोड़ जाएंगे, तो आपका फ़ोन जो है वो लॉक मांगना स्टार्ट कर देगा और आपका फ़ोन जो है अनलॉक नहीं होगा जब तक आप उसे पैटर्न या फिर फिंगरप्रिंट नहीं लगाएंगे। तो जैसे ही आप इस इंस्ट्रूमेंट के दायरे में आएंगे तो आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा और आप इजीली जो है अपने फ़ोन को बिना लॉक खोले ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐड ट्रस्टेड डिवाइसेस, मतलब कि आपकी वॉच, आपका डिवाइस या फिर आपका कोई ब्लूटूथ इंस्ट्रूमेंट है, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट है जो आपके घर में है या आपके पास स्मार्ट वॉच है या फिर कोई और ब्लूटूथ डिवाइस है। तो मैं आशा करता हूँ आपको थर्ड ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब वे कनेक्ट रहेगा तो अनलॉक रहेगा, जैसे अनकनेक्ट हो जाएगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद जो है ये लॉक मांगना स्टार्ट कर देगा। समझ गए होगे आप लोग थर्ड ऑप्शन का। तो वॉइस मैच, थर्ड ऑप्शन जो है आपका वॉइस मैच, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो पहले भी बनाया है। तो जैसे कि आप अपने फ़ोन को बोलेंगे ओके गूगल, तो आपका फ़ोन जो है अनलॉक हो जाएगा, वो आपकी वॉइस को जो है वो पहचान लेगा और फ़ोन आपका ऑटोमेटिकली जो है अनलॉक हो जाएगा। और ये फीचर जो है इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, शायद इसके बारे में आपको पता भी है। तो वॉइस मैच से जो है आप अपने फ़ोन को जो है कुछ भी बोलेंगे तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप ओके गूगल रजिस्टर करना है आपने 3 बार, फिर उसके बाद जो जैसे ही आप अपने फ़ोन को बोलेंगे ओके गूगल तो आपका फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे स्मार्ट लॉक के 4 फीचर जिनके बारे में जो है मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ बताइए। तो आप, मैं आशा करता हूँ कि आज आपके सभी डाउट्स जो हैं इसको लेके, स्मार्ट लॉक को लेके क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो पे। सो बाय बाय।